स्टूडेंट दिस इज ऐश्वर्य शर्मा आज का हमारा टॉपिक है प्रारंभिक आकारों को समझना। उसमें हम पढ़ेंगे मापन के बारे में।, में, तो में। लाइन सेगमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था लाइन सेगमेंट क्या होते हैं मतलब है, जब कोई भी रेखा की लंबाई निश्चित होती है तो उसे हम रेखाखंड कहते हैं अब देखिए रेखाखंड को मापना कैसे पढ़ेंगे हम एक रेखाखंड एक रेखा का एक निश्चित भाग होता है इससे रेखाखंडों को मापना संभव हो जाता है प्रत्येक रेखाखंड का यह माप एक अद्वितीय संख्या है जो इसकी लंबाई होती है जैसे रेखा है रेखा को हम इधर से भी इंक्रीज कर सकते हैं और इधर की साइड से भी इंक्रीज कर सकते हैं पर रेखाखंड की माप क्या होती है फिक्स होती है तो इसलिए हम रेखाखंडों को माप सकते हैं तो अब ये कह रहे हैं कि रेखाखंडों की तुलना कैसे करेंगे कौन सा रेखाखंड छोटा है या कौन सा रेखाखंड बड़ा अब देखिए जैसे मैंने यहाँ एक रेखाखंड लिया ए बी और दूसरा रेखाखंड मैंने लिया सी डी तो अगर इन दोनों की मापों में ज़्यादा अंतर है तो हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा रेखाखंड छोटा देखिए दो रेखाखंडों की तुलना करने के लिए हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है देखकर तुलना भी मैंने आपको बताया देखकर तुलना कैसे कर सकते हैं पर देखकर तुलना तभी करी जा सकती है जब दोनों की मापों में ज़्यादा अंतर है केवल देखकर ही क्या आप बता सकते हैं कि उपरोक्त में कौन सा रेखाखंड बड़ा है हाँ अगर रेखाओं की लंबाई में ज़्यादा अंतर है तो देख ही बताया जा सकता है कि कौन सी रेखा लंबी है और कौन सी रेखा छोटी दिए गए दो रेखाखंडों में ए बी और सी डी में ए बी की लंबाई ज़्यादा है देखिए ये ए बी है ये सी डी है तो एबी की लंबाई हमें ज्यादा दिख रही है और सी डी की लंबाई हमें कम दिख रही है तो हम देख कर ही पता लगा पा रहे हैं कि किसकी लंबाई कम है और किसकी लंबाई ज्यादा परंतु आप अपने सामान्य निर्णय के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते उदाहरणतः अगर रेखाखंडों की लंबाई का अंतर बहुत छोटा है अब यहां मैं एक रेखाखंड लूंगी ये एक रेखा ए बी है दूसरा रेखाखंड मैं इधर लेती हूँ ये है सी डी तो इसमें यह हमें देखने में काफ़ी हद तक समान लग रहे हैं पर इस इन लंबाइयों में जो अंतर है वो बहुत कम है तो हम लेकिन देखकर नहीं बता पाते कि ए बी बड़ा है या सी डी सी डी बड़ा है तो उसके लिए दूसरा मेथड यूज होता है अक्स द्वारा तुलना अक्स का मतलब क्या होता है अक्स द्वारा तुलना का मतलब है ट्रेसिंग पेपर ए बी और सी डी की तुलना करने के लिए हम एक अक्स कागज का प्रयोग करते हैं अक्स कागज मतलब ट्रेसिंग पेपर हम अक्स कागज पर सी डी का अक्स खींचते हैं हमने सी डी की एक लंबाई खींची और उसे ट्रेसिंग पेपर द्वारा ट्रेस कर लिया इस अक्स कागज पर बने रेखाखंड को ए बी पर रखते हैं अब जो हमने ये जो अक्स खींचा था सी डी का वो हमने ए बी पर रखा क्या आप बता सकते हैं कि ए बी और सी डी में कौन बड़ा है यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता से खींचते हैं इसके अतिरिक्त यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो तो उसे अन्य रेखाखंड का भी अक्ष खींचना पड़ेगा यह कठिन है क्योंकि जब रेखाखंडों की तुलना करनी हो तो आप सदैव रेखाखंड का अक्ष नहीं अक्ष ही नहीं खींचते रहेंगे तो और कौन सा मेथड हो सकता है रूलर और डिवाइडर द्वारा रूलर मतलब स्केल और डिवाइडर कंपास तो इसके द्वारा भी हम बदल लगा सकते हैं कैसे बदलवाएंगे क्या आप अपने ज्यामितीय बक्स में रखी हुई वस्तुओं को पहचानते हैं कि कौन सी वस्तु क्या है क्या रूलर है क्या डिवाइडर है अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर और एक डिवाइडर भी है ध्यान दीजिए कि रूलर पर चिन्ह किस प्रकार अंकित हैं देखो जैसे यहाँ चिन्ह अंकित होते हैं रूलर पर जैसे यह है एक दो तीन चार पांच ऐसा करके यह पंद्रह बराबर भागों में विभाजित होता है प्रत्येक भाग की लंबाई एक सेंटीमीटर होती है प्रत्येक सेंटीमीटर को दस बराबर भागों में विभाजित किया जाता है देखो कैसे करा जाता है जैसे ये एक सेंटीमीटर है ये दो सेंटीमीटर है तो अब ये देखिए तो इन्हें भी हम दस बराबर भागों में डिवाइड करेंगे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

प्रयोग करते हैं ये देखिए हमने डिवाइडर की एक सिरे को यहाँ रखा और दूसरे सिरे को यहाँ रखा तो इससे हमें क्योंकि डिवाइडर की जो निब होती है ये काफी पतली होती है तो इससे हम इजली पता लगा सकते हैं कि जो है इनके बीच की लंबाई कितनी है रेखाखंडों की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है केवल देखकर तुलना करने से तुलना में त्रुटि हो सकती है परंतु बहुत कम अंतर वाले रेखाखंड की के तुलना केवल देखकर नहीं की जा सकती और साथ ही साथ हम इसमें यह भी नहीं बता सकते कि दोनों रेखाखंडों के बीच कितना अंतर है ये तो पता लग जाएगा कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है और कौन सा छोटा पर यह नहीं पता लग पाएगा कि किसमें कितना अंतर है सेकंड क्वेश्चन क्या है एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है देखिए क्यों अधिक अच्छा है एक रूलर की तुलना में डिवाइडर का उपयोग करना बेहतर होता है क्योंकि रूलर की मोटाई उसकी लंबाई को सही मापने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है जबकि डिवाइडर सटीक माप देता है अब देखो जैसे ये लंबाई हमें मापनी है ए और बी की तो अगर हम इसमें रूलर का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा जैसे हमने अगर गलती से गलत माप ले ली या फिर ये थोड़ा सा ऐसे ले लिया तो इसमें त्रुटि की संभावना ज़्यादा हो सकती है पर अगर हम डिवाइडर का यूज करेंगे तो डिवाइडर में ही होता है कि डिवाइडर का एक आप यहाँ रखेंगे दूसरा आप यहाँ रखेंगे तो उस सिरे ये सिरे पतले होते हैं तो इसलिए हम ईजली ये देख सकते हैं कि आ, ये किस नंबर पे है और दूसरा किस नंबर पे है तो इसलिए आसानी से हम पता लगा सकते हैं डिवाइडर से तो इसलिए डिवाइडर का प्रयोग करना ज़्यादा सटीक होता है क्वेश्चन थर्ड कोई रेखाखंड ए बी खींचिए ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए हमने एक रेखाखंड खींचा रेखाखंड ए और बी इनके बीच में हमें क्या बिंदु लेना है सी बिंदु लेना है ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए ए बी पूरी ए सी और बी सी की लंबाई मापिए तो ए बी की जो लंबाई होगी क्या वो ए सी की लंबाई और सी बी की लंबाई को प्लस करके आएगी या नहीं ये हमें देखना है तो यदि किसी रेखा का पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हो तो ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी हैं तो निश्चित रूप से बिंदु सी ए और बी के बीच स्थित होगा देखो हम इसका एग्जाम्पल की सहायता से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने ये एक रेखाखंड लिया ए बी तो इसकी पूरे की लंबाई थी छः सेंटीमीटर अब ये हमने ली ए सी तीन सेंटीमीटर और सी बी हमने लिया ये भी तीन सेंटीमीटर तो अगर मैं ए सी प्लस सी बी को जोड़ती हूँ तो क्या आएगा थ्री प्लस थ्री हमारे पास आया सिक्स सेंटीमीटर तो सिक्स सेंटीमीटर किसकी लंबाई थी सिक्स सेंटीमीटर थी ए बी की लंबाई तो इसलिए ये बात सही है कि अगर हम ए सी और सी बी को जोड़ते हैं तो ए बी की माप हमें पता लग जाएगी क्वेश्चन फोर एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी स्थित हैं ए बी फाइव सेंटीमीटर है बी सी तीन सेंटीमीटर है ए सी एट सेंटीमीटर है इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है दे। देखो अभी हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ए सी ये हमने ड्रॉ करा एट सेंटीमीटर अब हमें ए लेना है सेंटीमीटर यहां से पांच सेंटीमीटर और बीसी क्या लेना है तीन सेंटीमीटर इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है तो यहां में देखकर पता लग रहा है कि ए सी तो एक लंबी रेखा है और ए बी और बी सी दोनों छोटी रेखाएं हैं तो बी बिंदु इस चित्र की सहायता से हम आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि जो बी बिंदु है वो ए और सी के बीच में स्थित है क्वेश्चन नंबर फाइव जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है देखो ये ए से लेके जी तक की लाइन हमें दी हुई है इस आकृति में ये बताना है कि डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है या नहीं है यहां देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो एजी जो है ये, ये दे रखा है हमें वन से लेके सेवन तक इसकी लेंथ है अब इसमें कह रहे हैं कि डी देखना है हमें तो डी देखिए कितने स्टेप आ गया ए से एक दो तीन यानी कि थर्ड स्टेप और जी से कितने स्टेप पीछे एक दो और तीन तो इस समय ये पता चलता है कि डी जो है इनके रेखाखंड के बीच में ही स्थित है देखो एडी इक्वल टू तीन यूनिट है और डीजी इक्वल टू भी तीन यूनिट है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एडी इक्वल टू डीजी अतः डी रेखा ए जी का मध्य बिंदु है क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए ए बी इक्वल टू सी डी क्यों है तो देखिए पहली इक्वेशन हम लेंगे यहाँ से बी रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु है ए सी एक रेखाखंड हमने लिया यहाँ इसमें बी इसका मध्य बिंदु है सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है सी रेखाखंड इसे यहां बनाना पड़ेगा एक रेखाखंड हमने लिया ए सी इसमें बोला है कि बी इसका मध्य बिंदु है अब सेकंड में बोला है सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है तो सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है देखिए हमारी एक ही रेखा पर स्थित है ए बी सी डी बताइए ए बी इक्वल टू सी डी क्यों है ए बी इक्वल टू सी डी क्यों है देखो हम यह लेंगे ए बी जब हमने बी रेखाखंड सी बी जो है रेखाखंड ए सी के मध्य में स्थित है तो हम ये इस इक्वेशन से ये बात कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी और दूसरे में हमें बोला था कि सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल टू ए डी तो जब हम इन दोनों इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमें यह पता चलेगा कि जब ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी डी के इक्वल है तो ए बी भी तो डी के इक्वल हुआ ए बी इक्वल टू ए डी क्वेश्चन नंबर सेवन पांच त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई में से सदैव बड़ा है देखिए जैसे हमने यहाँ एक ट्राइंगल लिया त्रिभुज इसकी लंबाई है फाइव पॉइंट टू फाइव पॉइंट टू और फाइव पॉइंट टू तो ये त्रिभुज जो है अब इन दोनों की लंबाइयों का अगर हम योग करेंगे तो फाइव पॉइंट टू और फाइव पॉइंट टू तो ये हो जाएगा टेन पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो टेन पॉइंट फोर सेंटीमीटर जो है वो फाइव पॉइंट टू से बड़ा है नेक्स्ट में देखते हैं नाइन सेंटीमीटर और फिफ्टीन सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं तो नाइन प्लस फिफ्टीन तो ये हमारा आया ट्वेंटी फोर तो ट्वेंटी फोर जो है वो टेन सेंटीमीटर से बड़ा है थर्ड ट्राइंगल अगर हम देखें 17 सेंटीमीटर और एट सेंटीमीटर तो अगर मैं यहाँ 17 और एट को तो प्लस करूं तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर जो है ट्राइंगल की थर्ड साइड फिफ्टीन सेंटीमीटर से बड़ा है फोर ट्राइंगल में एट सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर तो अगर मैं यहाँ फाइव सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर लेती हूं तो इन दोनों को जोड़ती हूँ तो मेरा आंसर आएगा टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर बड़ा है एट सेंटीमीटर से तो यहां भी ये यह बड़ा है अब टेन सेंटीमीटर टेन सेंटीमीटर तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो ये भी जो यहाँ थर्ड साइड होगी वो उससे बड़ा होगा ट्वेंटी सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन थर्टीन उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू